वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग 12th बोर्ड का प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और अभी हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, मैं आपको यानी आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, मैं आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए सिखा रहा हूँ। जो इसके पहले आपको अपलोडिंग वीडियो आपको मिला होगा वो डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल और उसके पहले चेन रूल है ना, जिसमें कि मैं एक छोटा से लेकर बड़ा तक मैं आपको करने के लिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डेरिवेटिव कैसे होगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आज क्या होगा कि डिफरेंशिएशन बाय कोशेंट रूल, कोशेंट रूल को कैसे आप अप्लाई करोगे, मैं इसको भी ए से लेकर जेड तक जाऊंगा, छोटा से बड़ा तक सिखाऊंगा आपको और आप मेरे साथ डिफरेंशिएशन करते रहें, सीखते रहिए। मैं आपको डिफरेंशिएशन में मैं आपसे वादा करता हूं कि डिफरेंशिएशन आपको छोटा से बड़ा तक चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो है ना, मैं सब कराऊंगा आपको। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सब मैं कराऊंगा है ना। मैं आपको एकदम डिफरेंशिएशन में आपको मास्टर बना दूंगा आपको मैं, लेकिन आप मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, चलते रहिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी अपडेटिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप पढ़ते रहें। तो आइए कैसे हम लोग करेंगे, मैं आपके सामने अपने आप ही क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ और आप भी बना सकते हो और आपको मैं सॉल्यूशन करने को सिखाता हूँ। देखिए कुछ भी मैं आपको पहले सबसे पहले छोटा ही लेता हूँ कुछ है ना। चलिए मैंने लिया, मान लीजिए कि कोसेक है, देखिए कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोसेक स्क्वेयर, चलिए ये भी छोड़िए इसे भी छोटा लेता हूँ, कोसेक एक्स अपॉन मान लीजिए है यहाँ पर क्या है, यहाँ मान लेता हूँ कि कोस है, ये ध्यान दीजिए कोस एक्स है, बस छोटा सा एक है, बहुत छोटा फॉर्म है ना, समझ इसे छोटा क्या हो सकता है। अब वो तो भाई बच्चों वाले खेले, एलेवंथ वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या करोगे आप, लेट करते हो आप, जब सॉल्व करते हो तो क्या करना है, लेट करना है, क्योंकि वाई तो लेट करना पड़ेगा ना, पर तो वाई क्योंकि एक्स का फंक्शन तो वाई लेना होगा, अगर वाई का फंक्शन होता इक्वेशन होता तो हम एक्स लेते हैं पर, यहां पर तो क्या लेंगे भाई, कोसेक, जान लीजिएगा कोसेक है तो यानी सी भी आएगा कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स अपॉन कोस एक्स, बस। अब क्या करना है, डेरिवेटिव लिखिए या डिफरेंशिएटिव लिखिए है ना, अगर हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो डेरिवेटिव ओके बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, आप लिख सकते हो पर कि बाय कोशेंट रूल, अगर नहीं भी लिखो ये बातें बाय कोशेंट रूल तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ओके। और इसको भी क्लोज करिए एक बार, क्योंकि आपका यह स्टेटमेंट बनता है कि आपको पेपर के लिए चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो उसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, स्टेटमेंट कम कर दोगे नंबर कट जाएगा आपका। चलिए तो हमने पता है फॉर्मूला, तो आपको पता है, मैं यही लिखता हूँ कि यू फर्स्ट फंक्शन और वी सेकेंड फंक्शन का डेरीवेटिव यानी डैश वाला लेता हूँ, तो क्या होता है यू डैश यानी यू का डेरीवेटिव आई इट इज वी लिख देना है प्लस यू डैश डैश ये ऐसे यहाँ भी डैश मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अपॉन क्या होता है सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला सेट पर सेट कर दो यहाँ पर। तो आप जब सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव क्या यू है हमारा कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स लिखिए, एज इट इज लिखना है हमने कोसेक्स क्योंकि वी है। देखिए बहुत आसान होता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है दोस्त, अपने आप हजारों लाखों क्वेश्चन बना सकते हो, अपने आप ही कर सकते हो, कोई बुक से लेना देना नहीं है,
लेकिन हम करेंगे प्रैक्टिस, बुक्स करेंगे, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ, देखिए कि मैंने अपने आप बनाया, अपने आप करा रहा हूँ। माइन सॉरी, यहाँ देखिए एक यहाँ गलती हुआ है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, जबकि ये नहीं होता प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट में ये नहीं होता, नीचे नहीं होता, फिर ऊपर वाला ये प्लस में होगा। चलिए अब हम करेंगे सेक, हमने फर्स्ट फंक्शन को यानी यू को आई जी टी क्या करना है, लिख देना है, आप फिर डेरिवेटिव करना किसका, सेकेंड फंक्शन को कॉस एक्स को, ऐसे ये लीजिए, अपॉन भी लिखना आपको दोस्त है ना, यू वी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ये लीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, हमने अभी पुट किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, देखिए घबराओ मत, आसानी से आप बस आप मेरी तरफ देखते रहिए, आप समझते रहिए, और किसी को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको उनको समझाऊंगा, क्योंकि टीचर के पास यानी मेरे पास एक मेथड नहीं है, यानी कि मेथड है आपको समझाने के लिए हमारे पास, है ना। कोसेक करोगे तो आपको पता होगा कि माइनस सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस होना ही है, जो सी से स्टार्ट होता है उसका माइनस होता है, और कोसेक ध्यान दीजिए, कोसेक एक्स डॉट में क्या आता है, कोटेक्स, है ना। आपको मैं ये भी बता दूँ कि मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल आपको एलेवंथ में किया होगा, कल कोई क्वेश्चन जो फॉर्मूले प्रूव करते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आप मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई सॉल्व करते हैं, वो भी लेकर आऊंगा मैं। चलिए कोसेक हमने लिख दिया है, अब आईजीटी क्या लिखना है, कोस माइनस कोसेक को भी लिखिए, बिल्कुल सेम उतार देना है, और कोस का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि माइनस क्या होता है दोस्त, साइन एक्स, हो गया डेरिवेटिव तो हो गया। अब नीचे क्या लिखना है, हमने कोस स्क्वायर एक्स लिख देना है, डेरिवेटिव तो हो गया, ये माइनस हम ले आऊंगा मैं, यहाँ माइनस प्लस बन जाएगा। अब देखना कि क्या हमने इसको चेंज कर दें तो कुछ हो सकता है क्या, इन डेट मीन कुछ सिम्प्लीफिकेशन हो सकता है क्या, तो अगर कोसेक का लिखा हो तो वन बाई साइन होता है, कोट का होता है कोस अपन साइन, तो दोनों साइन नीचे आ जाएगा, अब कोस ऊपर ही है, ऊपर ऊपर क्या जाएगा, यानी कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, सिम्प्लीफिकेशन हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिए आप। आइए हम करते हैं माइनस कोसे को लिख दीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव हो गया है, आपको सिम्प्लीफिकेशन अगर होता है तो करना है, तो साइन ए एक्स है, और मल्टीप्लाई में डॉट यानी मल्टीप्लाई कोस एक्स अपॉन साइन, यहाँ भी आप फिर डॉट में मल्टीप्लाई में आपको क्या है, कोस एक्स है ना। चलिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा, ये वन बाई साइन, देखिए ध्यान दीजिएगा, वन बाई क्या, साइन एक्स, और यहाँ क्या है इनटू में, ये साइन हो गया, ध्यान दीजिएगा पर कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है वो ध्यान दीजिए, और नीचे में दोस्त चलता रहेगा जी बच्चे, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये कोस कोस मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर, साइन साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, और ये तो साइन ऊपर है और नीचे है, कट गया, तो क्या बचा है यहाँ पर, वन बचा है ना, ध्यान दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं इसको आगे, ये देखिए ऐसे करता हूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ आ जाऊँ, आपके अगर परमिशन है तो मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ये माइनस चला जाएगा तो कोस स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ये आपको फाइंड हो रहा है क्या, डी अपन में डी एक्स, तो क्या बचा, ये हमारा आया है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हुआ है, साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स। चलिए ये प्लस है आपका क्या, सिर्फ वन रह गया है, और नीचे में क्या होगा जी, अरे माइनस भी है, माइनस भी है, ध्यान रखना हमने इस माइनस को नहीं छोड़ना हमने, है ना, माइनस को हमने नहीं छोड़ना है जी, तो कोस स्क्वायर एक्स है ये नीचे ये, ठीक है, और कुछ हो रहा है जी, तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है, लिख दीजिए आप कोट स्क्वायर एक्स लिखिए, है ना, आप प्लस वन भी लिखिए और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है, समझ गए, अब इसका सिंप्लीफिकेशन अब नहीं होगा, लेकिन कोट स्क्वायर प्लस वन कह रहा है, तो कोट स्क्वायर प्लस वन कोई फॉर्मूला है क्या, है, क्या है, तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, आप फॉर्मूला जानते हैं, है ना, कि वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स है, कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो जी लिख दीजिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में
और माइनस चलता रहेगा, ये माइनस नहीं छोड़ना है, और कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए देखिए हम लोग कहाँ तक लेकर आ गए, कहाँ से कितना बड़ा था कितना छोटा कर दिया, समझ नहीं आ पाए हम। मतलब अचानक क्वेश्चन भी ऐसा लिखा गया कि जिसमें इतना सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सिंपल हो गया है ना। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा सिंप्लीफिकेशन इतना छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होता तो हम छोड़ लेते अगर नहीं होता तो, लेकिन हो रहा है सिंप्लीफिकेशन, छोटा हो रहा है, नहीं छोटा हो रहा है तो कर दिया हमने, समझ नहीं आ पाए। अब क्या इसे भी छोटा हो सकता है क्या? तो अगर मैं कोसे को चेंज करूँगा तो वन बाई साइन और कोस तो है ही, तो वन बाई साइन और कोस पलट के क्या आ जाएगा, वन बाई कोस आ जाएगा, इसे नीचे बोल लो वन बाई कोस, तो वन बाई साइन इंटू वन बाई कोस, तो क्या हो जाएगा, नहीं कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ। तो लास्ट आप यहाँ से छोड़ दीजिए, ये आपका लास्ट क्या है जी, ये आपका आंसर है ना, माइनस कोस का स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स आपका इसका डेरिवेटिव है, जो चेन रूल लगाते हुए आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। मैंने तो छोटा ही लिया था लेकिन इतना लाइन चला गया है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए आपको समझ आएगा, है ना। ऑडियो और वीडियो साथ देखोगे तब, नहीं आया तो मैं हूँ आपके साथ। और बताइए कमेंट करके कैसे आपको नहीं आता, मैं देखता हूँ आपको। आइए मैं अब सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ आपको, अभी फर्स्ट मैंने कराया, सेकंड लेता हूँ आप, वो कराता हूँ मैं, है ना। और मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि इंडिया में किसी भी बोर्ड का बच्चे हों या विदाउट बोर्ड भी हों, है ना, ट्वेल्थ पास आउट क्यों नहीं हो, चाहे आईआईटी से बच्चों या आईआईटी का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी को भी अगर डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है उनको ठीक तरह से, तो आइए मेरे साथ पढ़िए, है ना। मेरे आपके अपलोडिंग वीडियो पर व्हाट्सएप नंबर भी होता है, आप कॉल करें और मुझे बताएं, मैं आपको डिफरेंशिएशन में बिल्कुल कंप्लीट आपको पक्का मास्टर बना के छोड़ूंगा मैं, डिफरेंशिएशन कैसे आता है, क्यों नहीं आता आपको, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, और कोई भी बच्चा हो, चाहे ट्वेल्थ पास आउट हो, चाहे कोई भी हो, किसी क्लास का बच्चा हो, मैं डिफरेंशिएशन मैं सिखाऊंगा, ये मेरी वादा है। लेकिन मेरे साथ आइए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा कैसे होता है। आइए मैं सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर टू। तो देखो थोड़ा सा और छोटा लेते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए कोई अलजेब्रिक ही है, चलिए, और एक ले लेते हैं हम लोग साइन स्क्वेयर, देखिए इसमें चेन रूल भी अप्लाई होगा, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन, है ना, अपॉन क्या लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस, चलिए माइनस फोर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए अपॉन में फ्रैक्शन में जो भी फ्रैक्शन होगा बट्टे में, है ना, जो बट्टे में होंगे वहाँ पर कोशेंट रूल तो अप्लाई होगा। अब कोशेंट रूल तो आप जानते हो, मैं यहाँ फिर लिखता हूँ दोबारा कि यू अपॉन वी डैश इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये ना। आइए हम लोग फिर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप है लेट करना है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी है ना, और ये नीचे में डिनोमिनेटर क्या है, एलजेब्रिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर, ओके। तो आप करोगे जानते हो क्या, कि डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट है ना बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, ओके। आइए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्लोज कर दीजिए एक बार, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट ऐसा कहता है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स और ये हो गया अपॉन क्या डी एक्स,
हम लिख सकते हो कि बाय प्रोडक्ट बाय क्वेश्चन टू रूल लगाना है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू अब पुट करिए इसमें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में डी एक्स, इस स्क्वायर को आप मर्जी है, इस मर्जी यहाँ ना लिख के आप बाहर निकाल सकते हो ऐसे, क्योंकि पावर फंक्शन और एंगल वाला चेन रूल अप्लाई कर सको आप आसानी से। डॉट में ये लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर, है ना, ये ना, और माइनस यू एज इट इज आ जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और डिफरेंशिएशन करना किसका, इसका डिनोमिनेटर का यानी वी का, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस क्या फोर अपॉन डी एक्स, और पूरे का अपॉन में डिनोमिनेटर जो है वी है वो ये, यानी उसका क्या करना है स्क्वायर कर देना, यही करना है ना, ये बस यही तो करना है। क्या आएगा ध्यान दीजिए एक पर, आपको यहाँ लगाना है चेन रूल, तो पहले पावर, आप चेन रूल भी जानते हो, क्या जानते हो चेन रूल में, ये आपका है कोशेंट रूल, है ना, और चेन रूल क्या है आपको भी पता है, चेन, क्योंकि चेन रूल कहीं भी आता है, तो पावर फंक्शन एंड एंगल है, ओके, ये है ना, ये चीज है, ध्यान दीजिए। तो क्या आ गया, पावर एंड टू है तो टू आ गया, और साइन के पावर टू माइनस वन, टू माइनस वन क्यों भाई, सब जानते हो कि एक्स के पावर जब एन है और डेरिवेटिव करते, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करते तो एन पहले आता है एक्स एन माइनस वन, है ना, तो उसे करोगे तो टू साइन और टू माइनस वन वन रह गया तो साइन एक्स, और साइन अब है, साइन करना है फंक्शन साइन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन का कॉस एक्स, और फिर अब करना एक्स का, क्या करो जी एक्स का करोगे तो एक्स का वन होता है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, चलिए और आई जी टी इसको लिख देना है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स और माइनस फोर माइनस, इसको तो हमने उतार लेना है साइन स्क्वेयर एक्स को, और करना इसका तो क्या आएगा टू एक्स और प्लस कितना टू, ये लीजिए डिफरेंशिएशन हो गया, अपॉन में लिख दीजिए बस, डिफरेंशिएशन हो गया, कितनी प्यार से कितनी आसानी से हो गया, इसका स्क्वेयर इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने देखा, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं कि साइन स्क्वेयर का पावर पहले टू और टू माइनस वन, लाइक दिस फॉर्मूला से पावर टू माइनस वन वन होता है साइन एक्स, लगे फंक्शन साइन एक्स है तो कॉस एक्स होगा साइन का, और एंगल एक्स है एक्स का एंगल, यानी एक्स का वन होता है, छोड़ दो। अब ये इसको हमने रिपीट कर देना, लिख देना है एज इट इज, साइन स्क्वेयर को भी एज इट इज लिखिए, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और टू एक्स का, यानी पता है आपको एक्स का वन होता है टू, टू रह गया, अब फोर का जीरो, यहाँ माइनस जीरो लिखना जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएशन हो गया है। अब क्या इसका कोई सिंप्लीफिकेशन है, छोटा हो सकता है, तो एक तो दिख रहा है पर क्या दिख रहा है कि भाई टू साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन टू एक्स का होता है, लिख दो, और इसको तो खोलने से कोई फायदा है नहीं, जैसे है ऐसे ही आप इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ भी कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है यहाँ पर, अगर खोलोगे मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ही बड़ा हो जाएगा ये, तो ये लीजिए, और नीचे में ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स और माइनस फोर का होल स्क्वेयर, हमने कौन से फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया लिख दीजिए, हमने किया कि टू साइन एक्स इंटू में कोस एक्स था, तो लिख दिया हमने क्या क्या लिखा जी, सॉरी साइन साइन टू एक्स लिखा है ना, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया है, और ये आपका आंसर भी बिल्कुल कंप्लीट है ना। तो देखिए किस तरह से ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया और सॉल्व किया, देखिए इसको, आइए आइए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, थोड़ा से अब लेवल ऊपर हाई उठाएंगे, है ना, थोड़ा सा बड़ा करना हमें, तो आपको क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा सा हमने बड़ा लेना है, तो बड़ा लेंगे तो
आप ले लीजिए कुछ भी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक भी लेते हैं ध्यान दीजिएगा, जिसमें चेन या प्रोडक्ट भी आ जाए साथ में, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कर लेते हैं कि भाई टेन, टेन का पावर हम कर लेते हैं क्यूब, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका एंगल हम कर लेते हैं क्या, साइन एक्स, इसका एंगल क्या है जी, साइन एक्स है। और डॉट में चलिए छोटा सा ले लेता हूँ, कोस एक्स लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, है ना। अपॉन में, अपॉन में आपके सामने मैं चलिए कोट ले लिया, कोट ठीक है। अब कोट का हमने एंगल ले लिया जी क्या, देखिए साइन ले लिया और ये स्क्वायर है, पहले से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं है बड़ा, ये इसको समझिएगा ध्यान से, आप घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे हो रहा ध्यान दीजिए। चलिए हमने पहले यहीं पर लेट कर दिया कि y इक्वल टू है ये, चलिए अब मैं यहीं से क्या लिख दूंगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या x, और बाय क्वेश्चन रूल तो आप लिख दो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखा हुआ हमने। चलिए तो क्या था फॉर्मूला ही लगाना है, और देखिए यहाँ पर क्या है, ये बीच में प्रोडक्ट है, साइन क्यूब्स टेन क्यूब्स, टेन क्यूब साइन एक्स है यहाँ पर, डॉट क्या है कॉस एक्स, यानी डॉट कॉस एक्स अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, समझ रहे हैं। और एक कोट एक्स अपॉन में, कोट एक्स का एंगल है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे प्रोडक्ट नहीं ऊपर प्रोडक्ट भी आएगा, तो पहले क्वेश्चन रूल उसके अंदर प्रोडक्ट रूल आएगा, है ना, तो ध्यान दीजिए। आइए क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा हमारा यू है ऐसे, तो डिफरेंशिएशन होगा किसका, तो टेन क्यूब, मैं बाहर लिख लूंगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाहर क्या लिखना पड़ेगा अभी, साइन एक्स डॉट में क्या कॉस एक्स, समझ रहे, ये अपॉन डी एक्स, और एज इट इज इसको लिखना होगा कोट और इसका साइन स्क्वेयर एक्स, है ना। चलिए माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, अभी तो हमने इसको लिखा सिर्फ, ये यू का डेरिवेटिव है और नीचे वाला ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, अब माइनस यू एज इट इज लिख देना, ये ऊपर वाला टेन क्यूब और एंगल है साइन एक्स, डॉट क्या है कॉस एक्स, है ना। अब फिर अब डॉट में डेरिवेटिव करना है किसको, इसका करना है जी, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि कोट और एंगल है कोट का साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बस अपॉन में क्या डी एक्स, देखिए अभी तो हमने पुट किया सिर्फ, और अपॉन में भी आएगा, देखना कितना बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं आप समझिए, आपको मैं सिखाने आया हूँ डिफ्रेंशिएशन छोटा से बड़ा तक, हमने पुट कर दिया है, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर कहाँ यहीं आ जाएगा, स्क्वायर पूरे का है, पूरे होल का स्क्वायर आएगा ना वी, वी स्क्वायर, तो स्क्वायर जो पूरे का होल का आएगा यही हमने स्क्वायर कर लिया, क्योंकि स्क्वायर यहीं आएगा, ठीक है। आइए अब डिफ्रेंशिएशन चलेंगे हम लोग, यहाँ से चलेंगे, सॉ यहाँ से आ गया डी वाई पर डी एक्स, चलिए टेन क्यूब है तो पहले अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगाना, ध्यान दीजिएगा, तो इसके अंदर मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा रहा हूँ, है ना, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको पता है क्या फॉर्मूला, मैं यहाँ लिखता हूँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट रूल क्या है भाई, तो प्रोडक्ट रूल ये है कि यू वी का डैश जब होगा तो फर्स्ट फंक्शन यू का यू डैश वी एच टी प्लस यू वी डैश, है ना, ये फॉर्मूला लगा देना हमने इसके अंदर, ये तो बात की बात है, इसके अंदर क्वेश्चन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल आ रहा है, क्योंकि दो फंक्शन था ऊपर में इसके न्यूमिनेटर में यानी अंश में, हिंदी में अंश कहते हैं इसको, चलिए तो इसमें लगाएंगे तो हमने इसका लिखूंगा नहीं भाई, डायरेक्ट यहाँ करूंगा डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा एक बार थोड़ा सा, टेन क्यूब है तो क्या हो जाएगा, पहले से कर रहा ना ये भी यू है ये अलग वी है इस पर, तो टेन क्यूब करोगे क्या है थ्री टेन स्क्वेयर, क्योंकि आप करोगे तो थ्री पहला आ जाएगा और फिर थ्री माइनस वन टू बचेगा पावर, और इसका एंगल जो है साइन एक्स लिखोगे, ये पावर क्यों हुआ है, अब फंक्शन करोगे तो फंक्शन क्या हमारे पास टेन है, तो टेन क्या होता है आप जानते होगे,
टेन एक्स इंटू सेक एक्स है, तो टेन एक्स यानी एंगल हमारे पास साइन है ना, तो साइन लिखना पड़ेगा, साइन एक्स इंटू भी क्या सेक, ध्यान समझिएगा, और सेक का भी एंगल देना पड़ेगा साइन एक्स, समझ रहे, फंक्शन टेन था, टेन का होता है टेन इंटू सेक, तो एंगल जो है साथ में चलता रहेगा क्योंकि एंगल साइन एक्स है। अब हमने फिर डॉट में एंगल का करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है भाई, तो आपको पता है कि कोस एक्स होता है साइन एक्स का, ये अभी यू का हो गया है, देखिए यू है ना यू डैश, तो यू का डेरिवेटिव यानी टेन क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन इतना आया है, समझ रहे। अब आइए कोस का, तो कोस का तो हमने अब करेंगे, हमने यू कर दिया, अब वी हमने एडजेक्टिव लिख देना है, तो इसमें भी कोस है, तो डॉट लिख दी, ये कोस देखो, ये कोस, ये डेरिवेटिव था साइन का, और ये कोस मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जो था हमारे पास, तो कोस एक्स आ गया, समझ रहे, तो सब में मल्टीप्लाई है ना, बीच में सब मल्टीप्लाई है, तो प्लस वाला तो है नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं हमने लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमने कर दिया है, अब हमने प्लस के बाद चलना है, प्लस प्लस में यू को ऐसे लिख देना एज इट इज, इसको पूरा लिख दीजिए, लिखिए है ना, हमने ऐसा पुट नहीं किया यहाँ पर, जैसे पुट किया हुआ है क्योंकि और बड़ा हो गया था ना, तो टेन क्यूब है और एंगल क्या है जी साइन एक्स है ना, लिख दिया। और इसे करना है कोस का, करना है हमने डेरिवेटिव, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव करना है कोस का, तो क्या आएगा यानी वी डैश करना है, तो साइन क्या माइनस में साइन एक्स कोस का है ना, इसको पूरा को लिख दिया हमने, ये यू था और ये वी को हमने कर दिया साइन एक्स। चलिए अभी हमारा क्या हुआ है कि इतना का डेरिवेटिव हुआ है, इतना का यानी पोडर टूल हमने लगा दिया इसमें, समझ रहे हैं, पोडर टूल लगाया अभी, और अब यहाँ से चलना है, तो लास्ट में क्या है दे रहे कोट है, तो आपको अब तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा भाई, यहाँ से बड़ा सा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, जो मैं अलग कलर से लेता हूँ ब्रैकेट को, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका डेरिवेटिव हुआ यहाँ तक, डॉट में यह लिखना है कि पूरा डेरिवेटिव हुआ है, अब इसको लिख दीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा ये कोट साइन स्क्वायर एक्स है, तो लिखिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट को हमने ऐसे रखिए, ठीक है, और कोट कोट और इसका एंगल है साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखिए, हमने अभी इशो किया है, अब यहाँ से माइनस वाला फंक्शन आगे चलेगा, तो माइनस से देखिए मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस माइनस के बाद क्वेश्चन रूल जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आएंगे हम लोग, तो फिर इसको ऐसे लिख देना है कितना, तो टेन क्यूब और क्या साइन एक्स है ना, और डॉट में कॉस एक्स भी, कॉस एक्स भी था यहाँ, कॉस एक्स भी लिखा जाएगा अलग से, क्योंकि साइन सिर्फ इसका एंगल था, कॉस एक्स लिखा गया है ना, यहाँ तक लिख दिया हमने, अब डेरिवेटिव करना है इसका है ना, तो यहाँ पे डॉट लिखिए, और कोट का है पहले, तो कोट का क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव करोगे तो कोट का क्या होता है कौन बताएंगे, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, क्योंकि सी से शुरू होता तो माइनस तो आएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे, एंगल यहाँ पर ये है, तो जो एंगल है साइन स्क्वायर वही लिखोगे यहाँ पर है ना, ऐसे, तो पहले मैंने कोट कर दिया और एंगल साथ में आ गया साइन स्क्वायर, अब करना किसका है, क्योंकि कोट पर पावर नहीं था इसलिए पावर वाला यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अब करना हमने एंगल का, तो एंगल साइन स्क्वायर है तो उसमें पावर आ रहा है, तो फिर पावर ए अप्लाई, पावर फंक्शन एंगल, तो साइन स्क्वायर में करना है, डायरेक्ट करना है, तो साइन स्क्वायर का यानी टू आ गया, और साइन का पावर टू माइनस वन, टू माइनस वन वन रह गया है ना, अब फंक्शन क्या है साइन है, तो साइन का क्या होता है जी कोस एक्स होता है, एक्स का क्या होता है जी वन, लास्ट में एंगल वन लिख दिया, ना लिखा कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा यहाँ तक डेरिवेटिव हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब अपॉन में ये तो अभी ऊपर वाला लाइन था पूरा, अपॉन में जो है लिखिए कि कोट स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एक्स है ना, बड़ा लग रहा है ना आपको, ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर अभी जो स्क्वेयर वी स्क्वेयर कहते हैं, ये वी स्क्वेयर वो स्क्वेयर था, बड़ा लग रहा है ना। अब देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो कर दीजिए, कुछ हो रहा है क्या, तो यहाँ तक हम चलते हैं, ये भी टेन स्क्वायर, ये टेन है, तो आप देख रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दीजिए सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हो रहा है, तो टेन स्क्वायर है ये टेन, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है ना, तो जब दोनों का एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा, टेन और टेन मल्टीप्लाई करिए तो टेन क्यूब बन जाएगा, टेन क्यूब ये देखिए, और एंगल आपका साइन एक्स रहेगा, सेक यहाँ पर है, आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये सेक एक्स है, ये सेक का एंगल साइन एक्स है, अगर दोनों सेम होता ना, यहाँ भी होता
एंगल यहाँ एक्स होता है, यहाँ एक्स होता है ना, तो सेक और कॉस कट के वन हो जाता है क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का ना, ये समझ लेना। लेकिन इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, यानी अनलाइक है, लाइक टर्म नहीं है, तो लिख कर सकते हैं। लेकिन इस कॉस स्क्वायर को तो लिख सकते हैं, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। तो पहले इसको लिख लीजिए डॉट में, है ना, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो गया तो करना है, जब सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो करना है, तभी नंबर मिलेंगे। तो कॉस और कॉस को डॉट में ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए आगे में प्लस, क्योंकि कहीं हाँ ये माइनस आया, देखिए यहाँ पर माइनस है, प्लस पूरे में माइनस है, तो ये माइनस तो यहाँ करना पड़ेगा, माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ होगा, साइन अलग है, ये अलग, इसका एंगल भी अलग है, कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता है, तो इस टेन को लिख दीजिए एज इट इज, टेन क्यूब और कितना एंगल कितना है साइन एक्स, और ये भी अलग से ये साइन एक्स है ना, ये एंगल है, इसको आपस में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हम लोग, ये अलग है, समझ रहे आप, ये चीज़ क्या अलग है, तो क्या लिखोगे साइन एक्स। देखिए और इस पूरे को ब्रैकेट में लेने के बाद, इस पूरे को ब्रैकेट में लेने के बाद बाहर में क्या है जी, मल्टीप्लाई में है कोट, और इसका एंगल क्या है साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, है ना, क्योंकि सब कुछ इसका अलग है, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ चलेंगे हम लोग, ये माइनस, ये माइनस यहाँ से, इसमें कुछ हो रहा है क्या, देखिए तो ये देखिए यहाँ तक पूरे, ये पूरे यहाँ तक मल्टीप्लाई में है दोस्त, ये तो हमने सबसे पहले तो माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस यहाँ कर दीजिए प्लस, तो ये हो गया, देखो यही में प्लस कर दिया, ये माइनस और माइनस आया इंटू हो गया, तो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कि हमने प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि यहाँ प्लस था, यहाँ हमने माइनस कर दिया था, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया। अब टेन क्यूब यहाँ पर है, एंगल इसका अलग है, कुछ और ऐसा है, कुछ होने वाला है ना, तो टेन को चेंज करोगे तो क्या, कुछ नहीं है, क्यूब है, तो लिख दीजिए आप चुपचाप, आप लिखिए यहाँ से, यहाँ यहीं से लिखिए, वहाँ जगह नहीं है, तो टेन क्यूब साइन एक्स, और कोस है नहीं है, तो लिख दीजिए साथ में, क्योंकि और कोई तो कुछ है नहीं, और ये सब मल्टीप्लाई में दोस्त, तो यहाँ भी कोस है और यहाँ भी कोस है ना, तो हम कोस स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, ये लीजिए ये कोस स्क्वायर हम लोग कर सकते, ध्यान दीजिए कोस एक्स यहाँ भी है इंटू में है, और कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स हो गया, ओके। अब ये साइन एक्स तो है, लेकिन कुछ है नहीं, अलग सब कुछ है ना, और इधर है टू भी चाहिए, इस टू को लेकर कहाँ जाएगा पता आपको, ये टू यहाँ लेकर आइए पहले, है ना, इस टू को स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है हमने ऐसे, ठीक है, जान लीजिए, तो कोस स्क्वायर हो गया। अब बच्चा क्या हमारे पास, तो कोसेक स्क्वायर ये बच गया, तो लिख दीजिए ना यहाँ पर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या, और एंगल क्या है साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और हमारे पास साइन एक बच रहा है, तो साइन लिख दीजिए। देखिए साइन, अब ये कोसेक साइन में रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग है, यहाँ पर एंगल अलग है, तो एंगल है तो अलग, तो इसको रिलेशन नहीं बना सकते साइन एक्स, अब कुछ नहीं रह रहा है, तो बस ये पूरा ऊपर का है, ये पूरा है आपका न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में जो था वो आप लिख दीजिए, ये क्या कोट स्क्वेयर, और क्या यहाँ पर है साइन स्क्वेयर एक्स, बस। अब इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है रहे, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया, देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन था, और इतने ज्यादा लाइन तो नहीं आया है, एक है ना, दो और तीन, तीसरी लाइन में इसका आंसर है, तीसरी लाइन में आंसर है, लेकिन बड़ा है, इसे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन लेके क्वेश्चन रूल अप्लाई करके, जिसमें चेन रूल भी आया, प्रोडक्ट रूल भी आया, और आपको मैं सिखाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया, आप देखिए इसको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा कमेंट करें, मैं आपको और तरीके से और क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, है ना, छोटा से बड़ा तक। तो किसी को भी डिफरेंशिएशन सीखना है आइए मेरे साथ, कोई ऐसा अगर है जिनको डिफरेंशिएशन मुश्किल लगता है, मैं उनको कह रहा हूँ कि एकदम छू मंतर कर दूंगा, और उनको डिफरेंशिएशन मैं सिखाऊंगा। आप चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारी 10th, 11th, 12th का ऑनलाइन क्लासेस मैं चलाता हूँ, चलता है, जिसमें दिल्ली के भी बहुत बच्चे हैं, बिहार से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, है ना, MP से भी हैं, UP से भी है, कई बोर्ड से हमारे पास बच्चे हैं, CBSE भी है, अदर बोर्ड से भी हैं हमारे पास। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी को भी अगर डिफरेंशिएशन मुश्किल लगता है, तो मैं उनके साथ छू मंतर मैं सिखा सकता हूँ उनको, ये मेरी गारंटी है, आपसे वादा है। तो किसी को भी अगर मुश्किल लगता है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे अपलोडिंग वीडियो पर व्हाट्सअप नंबर होता है, और आप फ़ोन करके ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्रैश कोर्स भी
स्टार्ट कर चुका हूँ, और फिर जो नई बैच है हमारी क्रैश कोर्स 10th और 12th का, वो हमारी जस्ट दशहरे के बाद, अभी दशहरा आना, आज डेट पता आपको 21 है, तो दशहरे के बाद फिर एक क्लास मैंने बैच शुरू करने वाला हूँ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो या रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए और इससे आप सीखते रहिए फ्री में, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है। तो आइए देखिए, इसके बाद जो हमारा कमिंग वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमारी मुलाकात 3 तक रहेगा, मैंने 3 क्वेश्चन लेकर सिखाया आपको, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो आपको झलक दिखाया हूँ मैं, ये जो मैंने दिखाया है आपको चेंज रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सब झलक है ना। अभी बहुत कुछ तो बाकी है, अभी और भी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन जिनको सीखना है मुझे कॉल करना होगा, आपको पूछना होगा मुझसे, है ना, क्लास लीजिए मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं ये अभी झलक दिया हूँ, अभी इम्प्लिसिट फंक्शन बताऊंगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लॉग यूज करके बड़े से बड़े फंक्शन को, डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को, बड़े से बड़े फंक्शन है उसको लॉग यूज करके और छोटा कैसे कर देता है, छोटा कर देते हैं, और बहुत सिंपल लॉगरिथम के थ्रू वहाँ पर डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए ना, यहाँ पर भी अपॉन था ना, ये इसी को मैं कह रहा हूँ, ये जो फ्रैक्शन में है और ये पावर भी है, इसमें मैं अगर लॉग यूज करता, लॉग, तो इससे भी आसान आपको और जल्दी समझ आता, इससे आसान होता, छोटा होता और बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाता। तो मैं ऐसे ही फंक्शन लूँगा और लॉगरिथम यूज करूँगा, लॉग यूज करूँगा, लॉग का मेथड बताऊँगा और मैं वो सिखाऊँगा कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। हालांकि मैंने लॉग, जहाँ लॉग के आपने कहा था, लॉग से मुझे याद आया कि लॉग का टेबल देखना, एंटी लॉग, लॉग टेबल के थ्रू निकालना वैल्यू, विदाउट टेबल के निकालना वैल्यू, मैंने अपलोड कर, हमारा बहुत कई महीने पहले अपलोड मैं कर चुका हूँ सुंदर बेल क्लासेस पर, हमारी जो यूट्यूब चैनल है सुंदर बेल क्लासेस, सुंदर बेल क्लासेस, उस पर मैंने लोड कर चुका हूँ, अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं जिनको लॉग की प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री में लॉगरिथम बहुत ज़्यादा यूज होता है, नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, विदाउट टेबल या टेबल के थ्रू कैसे निकालते हैं, इस पूरी लॉग का मेथड बिल्कुल सिंपल वे में मैं बता चुका हूँ। हमारी अपलोडिंग वीडियो को आप जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो इस तरह से आइए, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, है ना, सेकंड डेरिवेटिव यानी सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ मैं लेकर आपको आऊँगा, हमारी अपकमिंग वीडियो होगी, आप उसको देखिए, हमारे साथ लगे रहिए। लेकिन आज का वीडियो यहीं तक है, ठीक, गुड नाइट, जय हिंद।